दोस्तों बड़ी खबर बॉलीवुड से आ रही है। दोस्तों खबर है कि बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के खिलाफ एक सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी वैध कारण इधर उधर घूमने के लिए महामारी के नियमों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने कहा है कि मुंबई में दोपहर 2 बजे के बाद बिना किसी कारण लोगों के इधर उधर घूमने पर पाबंदी है, लेकिन टाइगर श्रॉफ इसके बावजूद शाम तक बांद्रा बस स्टैंड के निकट घूमते पाए गए। वहीं अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार दोपहर को दिशा और टाइगर जिम से लौटने के बाद एक ही गाड़ी में मुंबई के बांद्रा बस स्टैंड की चक्कर लगा रहे थे। तभी दूसरे चक्कर के दौरान मुंबई पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान टाइगर कार के पीछे बैठे थे, जबकि दिशा पटानी आगे बैठी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ इन दिनों वह अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म हीरोपंती 2 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं खबरों की माने तो इस फिल्म में टाइगर के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आने वाले हैं, जो फिल्म में टाइगर से टक्कर लेते दिखाई देंगे। वहीं फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं। दोनों ने फिल्म मुन्ना माइकल में एक साथ काम किया था। वहीं फैंस फिल्म हीरोपंती की घोषणा के बाद फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।